जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मिक्स रिदम के बारे में, ठीक है। बटर ट्रैक बनाने की वीडियो जो है वो 1 जनवरी के बाद आएंगी। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बट अभी मैं जो बतलाने वाला हूँ वो नॉर्मल हमारा रहेगा कि किस तरीके से बेसिकली बनाया जाता है, राइट। तो मैं ये कट कर करके निकाला हुआ हूँ, तो आज आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मिक्स रिदम रहता कैसे है और वो काम कैसे करता है। और देन आप जब म्यूजिक तैयार करो सिंपल रिदम के साथ, मैं बताऊंगा 1 जनवरी के बाद। तो ये डीजे वाले में से है, बट इसी तरीके से मिक्स रिदम से बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो हम लोग यही जानने वाले हैं। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं और निंटेंडो 4 के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन फॉलो करो, आप बेसिक से सब कुछ सीख जाओगे। जैसे निंटेंडो 4 को इस्तेमाल करना, इनमें ऑटो ट्यून यूज़ करना, और इनकी स्केल, बीपीएम एंड सेंस इक्वलाइजर्स, इंसर्ट और बेसिक की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी तरीके से समझ जाओगे। तो मेनली जो हमारा काम होगा वो मिक्स रिदम पे होगा, और वो वीडियोस आपको 1 जनवरी के बाद से मिलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली मिक्स रिदम काम कैसे करता है। तो मैं तब तक ये ओपन होने देता हूँ, और मेरे पास कुछ पैटर्न्स हैं, वोकल्स हैं एंड पिकअप्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ एक पैटर्न पे, दूसरा एक इंड पिकअप पे एंड पिकअप पे। तीन चीज हमारे पास यहाँ पे है, देन उस पे मैं पूरा काम करूँगा और देखता हूँ कितना हद तक म्यूजिक तैयार हो पाता है, राइट। तो जो पिकअप होते हैं, सॉरी जो पैटर्न होते हैं, एक सॉन्ग में मोस्टली 2 पैटर्न या फिर 3 पैटर्न चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पैटर्न है और 2 पैटर्न होने चाहिए, कम से कम 2 पैटर्न होने ही चाहिए, बट एक ही पैटर्न है और इन्हीं से काम करेंगे और देखेंगे कितना ज़्यादा है और कितना वो तक हो पाता है। वोकल्स थोड़ा कम रिकॉर्ड किया हूँ मैं, जिसकी वजह से मैंने एक पैटर्न सेलेक्ट करा हुआ है। तो निंडो 4 ओपन हो रहा है तब तक, और देखते हैं फिर। ओपन होने में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा समय लेता है ये, क्योंकि मैंने इनमें प्लेइंग्स थोड़ा सा ज़्यादा पुट कर दिया है। तो मैं इनको ओके किया और इनको स्किप करना है, ठीक है। तो ये भी कॉपी हो जाएगा और ये भी हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है, देख सकते हो। फर्स्ट अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो फिर मैं बता दूं, फाइल पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट कंट्रोल एन दबा के भी ला सकते हो। फिर आपको ओके पे क्लिक करके आप नॉर्मली लोकेशन सेलेक्ट करके ओके करोगे तो ऐसा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा खाली। राइट क्लिक करके ऐड एड योर ट्रैक, देन आपको अगर आपका ये पहले से फिट है तो आप, या अगर वोकल्स रिकॉर्ड करो तो मोनो, और अगर म्यूजिक ट्रैक बना हुआ है तो स्टूडियो। अभी हम इस पे सब पे मोनो ही सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, राइट। बेसिकली मैं निंडो पे काम नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए। चलिए इनको मिनिमाइज करता हूँ, और ये पैटर्न रहा, और अभी सबको मैं एक एक करके यहाँ से पुट कर देता हूँ इसके अंदर। इस तरीके से पुट कर दिया, और डिफरेंट ट्रैक करोगे तो आप सभी जगह ही आ जाएगा, राइट। तो हमारा पैटर्न ये रहा, पिकअप लाइन ये रहा, ठीक है। तो पिकअप को नीचे लाएंगे और ये पैटर्न हमारा ऊपर चले जाएगा। बेसिकली अभी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, अभी सही है, पैटर्न को हम ऊपर लेंगे, ठीक है, और ये वोकल्स इनके साथ ही चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिपीट वाले वोकल्स ये रहा, तो ये भी इनके साथ चले जाएंगे। और ये हमारा इंड पिकअप है और ये पिकअप है, तो इनको मैं बंद करता हूँ 1 मिनट, और ट्रैक और वोकल्स भी बंद करता हूँ, सॉरी दोनों वोकल्स बंद करता हूँ, रिपीट वाला और मेन वोकल्स। अभी चलिए सुनते हैं इनको और ये किस तरीके से काम कर रहा है वो देखना। ये बेसिकली मिक्स रिदम है, और मिक्स रिदम बेसिकली इसी तरीके का होता है, चाहे वो सिंपल में मिक्स रिदम हो या फिर ये लगभग आपको, ये मिक्स रिदम जो मैंने तैयार किया हुआ था वो 80 की बीपीएम पर था, तो इनको मैंने 80 पर फिट करा।
अभी प्ले करके देखता हूँ कैसा बज रहा है ये। देख सकते हो एक ही पैटर्न चल रहा है पूरे में, तो मैं इनको कंट्रोल डी अगर करूंगा तो बढ़ते चले जाएगा, देखा आपने। तो मैं यहां से देखता हूं, अगर मिस होगा तो फिर इनको कट करेंगे। तो मिस कर रहा है यहां पे, तो इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहां से इस पे टिक करेंगे, अगर ये नहीं हो रहा है तो इस पे इस तरीके से छोटा कर लेंगे, देन उसको इस पैटर्न के साथ मिलाएंगे इस तरीके से, और देखते हैं यहाँ से। अभी भी मिस कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा बड़ा लेंगे, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, नहीं जा रहा है, एक सेकंड, फिर टिक करेंगे, और अभी भी नहीं जा रहा है, तो देखते हैं आगे बढ़ा के इनको। बेसिकली ये जो पैटर्न है वो यहीं तक था, तो यहाँ से हम पीछे ही कर लेंगे, ठीक है। और अभी इनको इसके अंदर डाल के देखते हैं, आई थिंक काम कर जाना चाहिए। तो देखो इस तरीके से मिक्स रिदम ज्वाइंट हो चुका है यहाँ पे, और इसी तरीके से आप आगे भी इनमें जोड़ सकते हो, राइट। और आप मान के चलो इतना में कवर होगा आपका फर्स्ट मुखरा का, ठीक है। तो देन यहाँ पे एक पिकअप का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये रहा पिकअप, ठीक है। बेसिकली एक पैटर्न होना चाहिए मिक्स रिदम में, होना क्या चाहिए, अगर आप 80 के बीपीएम पर कोई भी सॉन्ग हो तो आप एक बार ट्राई, मैं बताता हूँ, आप वो गा के देखना, वो बेसिकली फिट हो जाएगा इस रिदम पे। तो आप देख रहे हो ना ये, कि बेसिकली 80 के बीपीएम पर, 80 बीपीएम पर जितना भी सॉन्ग रहेगा वो बेसिकली बहुत ही आसानी तरीके से फिट हो जाता है। देन उसके बाद ज़रूरत पड़ता है बीच बीच में कहीं पर पिकअप लाइंस की, तो पिकअप्स यहाँ पे मान के चलो सॉन्ग्स खत्म हो रहा है, कभी कभी बीच में भी पुट किया जाता है पिकअप्स, जहाँ की रिपीटेड आवाज़ है यहाँ पे, तो इसके आगे भी लगाया जाता है और इसके इंडलेस में भी लगाया जाता है। वो वीडियोस पूरा कंप्लीट अगर आपको देखनी है तो आप 1 जनवरी तक वेट करो, और इधर से आप देख सकते हो ये वाली, और इसके आगे देख सकते हो यहाँ पे अगर एंडलेस है, और इधर मेलोडी करना पड़ेगा आपको, इसमें भी मेलोडी होता है पैटर्न पर, पैटर्न के पीछे भी और बीच में भी, ठीक है। तो ये जहाँ पे सॉन्ग्स लास्ट करेगा, जहाँ पे वोकल्स हमारा लास्ट करेगा, वहाँ पे एक पिकअप्स लाइंस दिए जाते हैं ताकि बेहतर लगे सुनने में। तो ये देखो मैं इनको यहाँ पे फिट करके देखता हूँ हो रहा है या नहीं, चलिए प्ले करता हूँ। तो मिस कर रहा है अभी, बेसिकली इनको छोटा करेंगे इस तरीके से, पिकअप्स थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ से छोटा करा और इनको इनके साथ फिट कर देना है, देखते हैं। तो अभी भी मिस कर रहा है, तो बेसिकली इनको पूरा यहाँ तक लेके देखते हैं, एक मिनट। इस तरीके से बेसिकली एडजस्ट करना पड़ता है मिक्स रिदम को, काम कर रहा है देख सकते हो, बट थोड़ा सा सुनने में अजीब टाइप का लग रहा था, तो एक सेकंड इनको जूम करके आप फिट कर सकते हो, राइट है यहाँ तक है, एक सेकंड, इस तरीके से एडजस्ट करना ही पड़ता है मिक्स रिदम को, और जो हो जाए देन उसके बाद अगर आप चाहो तो आगे थोड़ा सा इसको कट कर लो, देन अगर फिर आपको वही पैटर्न चलाना हो तो कंट्रोल सी करके, और आगे आप इसी ट्रैक पे अगर चलाना हो वही सेम पैटर्न, तो कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तो वही पैटर्न आगे आ जाएगा। तो देखते हैं पैटर्न काम कर रहा है या नहीं। काम कर रहा है, बट यहाँ पे हमें चाहिए इंड पिकअप, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इंड पिकअप का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इनको रिमूव करता हूँ और इनको भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे अगर हम रीन सॉरी इंड पिकअप लगाएं, तो इंड पिकअप जो होता है बेसिकली वो देख लो किस तरीके से बजता है। यहाँ पे अगर इंड पिकअप लगेगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा सुनने में, ठीक है। तो ये देखना, तो सबसे पहले इनको फिट करना पड़ता है,
देखते हैं इंड पिकअप काम कर रहा है या नहीं। देन अगर जहां पे आप इंड पिकअप लगाओगे तो वहां से थोड़ी दूर ज्यादातर आपका पैटर्न भी चेंज होना चाहिए, तभी जाके बढ़िया लगेगा। और ऐसे वोकल्स भी चला के दिखाऊंगा मैं आपको, तो वोकल्स चलने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखो इतना मैंने डाला इसके अंदर, और अभी बैक करके देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं। इंड इंड पिकअप के साथ साथ इसमें एक पैटर्न भी है, मैं उनको भी बड़ा करके दिखा दूंगा वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये देखो इंड पिकअप के बाद एक बेसिकली यहां पे जो इंड पिकअप हमारा है इसके बाद एक पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसी पैटर्न को मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो ये अंतरा का भी काम हो जाएगा, देखना। और यहां से मेन बेस लाइन गिर रहा है, तो इनको मैं यहां से कट करता हूं। देन इसको अगर हम कंट्रोल डी करेंगे देख सकते हो वही पैटर्न आगे आ चुका है। और बेसिकली अब इनको मिलाना पड़ेगा, एक सेकंड मैं इनको प्ले करता हूं, देख सकते हो यहां पे मिस कर रहा है पैटर्न। तो ये आगे जाएगा यहां पे, ठीक है, बहुत ही आगे आ चुका है, इतना सही रहेगा, देखते हैं। देख सकते हो आप पैटर्न काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो बेसिकली काम करता जाएगा। देखो ये अभी पैटर्न काम कर रहा है या नहीं वो एक बार टेस्ट करते हैं। तो लास्ट में जो दो पैटर्न एडजस्ट करा है, ये कंट्रोल डी दबाया था, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उनको बेसिकली इस तरीके से आपको फिट करना है। अभी देखते हैं प्ले करके। तो ये देखो पूरा अभी जो है एक रिदम हमारा तैयार हो चुका है इस तरीके से, एक मेन पैटर्न से, और मेन पैटर्न बेस लाइन जो होता है इसके साथ एक कोड चलता है, ठीक है। तो कोड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द, और उसकी वेब्स फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो कोड्स जो होता है कोड्स के बारे में पहले बता दूंगा, देन उसके बाद उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है, और पैटर्न के साथ साथ आपने देखा इंड पिकअप और पिकअप, देन उसके बाद दूसरा पैटर्न किस तरीके से लग रहा है और इसको किस तरीके से फिट करना है आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा। तो एक बार मैं फिर देखता हूँ और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये म्यूजिक। तो इस तरीके से बेसिकली एक पूरा म्यूजिक तैयार हो सकता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।